दोस्तों नमस्कार। किसी ने सच कहा है कि अगर आप अपना वर्क ईमानदारी पूर्वक करते हैं, आपके काम में संपूर्ण ईमानदारी है, तो उसका इनाम आपको पक्का मिलेगा। आइए कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करते हैं के एपिसोड में आज एक छोटी सी नई कहानी। दोस्तों एक मछुआरा था और नदी के किनारे उसका काम मछली नदी से निकालना और बाजार में बेच देना। और ये काम करते करते उनकी मेहनत इतनी अधिक थी, वो इतने ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य करता था कि उनकी मेहनत रंग लाई और वो बहुत पैसा वाला बना। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वहीं नदी के किनारे उसने एक बड़ा घर बनाया। उसी आलीशान घर में अपने दो छोटे छोटे प्यारे नटखट बच्चों के साथ रहते थे। अब हुआ ऐसा कि एक दिन मछुआरे ने देखा कि कुछ पुरानी नावें पड़ी हुई हैं, उन्हें पेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। तो मछुआरे ने एक पेंटर को बुलाया और बोला, ये जो 10 नावें रखी हुई है भैया, इसे पेंट कर दो और तुम्हारा जो मेहनताना होगा वो शाम को ले लेना। ये बातें कह के मछुआरा अपने काम पे चला गया। तो जब मछुआरा काम से लौट रहा था तो देखता है कि उसके दरवाजे पे बहुत भीड़ लगी हुई है। नदी के किनारे जहाँ पे नाव लगे हुए हैं वहाँ भी भीड़ है, बहुत हलचल है। मछुआरे को बड़ी आशंका हुई कि हमारे नटखट बच्चे ने कुछ गलती तो नहीं कर दी। और आने के साथ जो खबर मिली वो भी बहुत डरावनी थी। मछुआरे को पता चला कि पिछले 2 घंटे से उनके दोनों बच्चे गायब हैं। मछुआरा को कुछ समझ में आता, उसके पहले वो पेंटर के पास गया और पेंटर को बोला कि आज तुमने क्या क्या काम किया। पेंटर ने दिखाया कि आज हमने ये 4 नावें पेंट की। तो 4 नावों में उसे 3 नाव ही मिले, चौथा नाव दिखाई नहीं। मछुआरा तुरंत समझ गया कि उसके दोनों बच्चे एक नाव लेकर नदी की ओर निकल पड़े। पेंटर बोला, महाराज सबसे पहले हम उसी नाव को पेंट किए थे, पेंट करके सूखने से रोक रख दिए थे कि वो रंग थोड़ा भर जाएगा, चिपक जाएगा, सूख जाएगा, पता नहीं बच्चे कब निकल गए लेके, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। मछुआरे ने कुछ नहीं बोला, वो अपने सहयोगियों के साथ नाव लेकर समुद्र की तरफ, नदी की तरफ, अंदर की तरफ बढ़ता चला गया। तभी कुछ दूरी पर दिख रहा है कि दोनों बच्चे अपने नाव लेकर वापस लौट रहे हैं। पिताजी को देख के दोनों बच्चे डर गए, घबरा गए। उन्हें तो मालूम था कि हम चुपके से चोरी छिपे निकले हैं। नदी के किनारे आते ही दोनों बच्चे माँ से लिपट गए। इसी तरह बचा को उन्हें घर ले जाया गया। फिर मछुआरे ने उस पेंटर को बुलाया, उस पेंटर से पूछा कि तुम्हारी आज मेहनताना कितना हुआ। तो पेंटर तो पहले डरते 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 मछुआरे के पास गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि हमने ही उस नाव को पेंट किया था और वो नाव लेकर बच्चे लोग चले गए, कहीं गलतियां हमारे ऊपर ना थोप दी जाए। पेंटर ने बोला, 4 नाव पेंट किए हैं, 250 के हिसाब से 1,000 रुपये बनता है। आज का मेरा मेहनताना 1,000 रुपये बनता है। मछुआरे ने उसके हाथ में 1,000 की एक गड्डी देकर बोला, नहीं, तुम्हारा मेहनताना आज 1,00,000 रुपये का है। सारे लोग हतप्रभ रह गए। जितने देखने वाले थे उस जगह और भी जो व्यक्ति थे वो सब आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा क्या हुआ? एक तो इसने नाव पेंट की, इसके रहते हुए उस नाव को लेके बच्चे निकल गए, और आज ये मछुआरा उसे 1,00,000 रुपये दे रहा है, जिसके अधिकतम मेहनताना 1,000 रुपये के आसपास है। तो मछुआरे ने कहा कि अगर तुमने आज उस नाव को पेंट नहीं की होती तो उस नाव में एक छोटा छेद था जो बहुत दिन से पड़ा हुआ था, और मुझे मालूम है कि तुम पेंट करने के क्रम में ही उस छेद को भरे हो। फिर मछुआरे ने बताया कि जी
पेंटर ने बताया कि जी जब मैं पेंट कर रहा था, देखा एक जगह पे थोड़ी सी छेद है, वहाँ पे पेंट टिक नहीं पा रहा है, तो हमने एक लकड़ी की कील निकाल कर उसे अच्छी तरह से भर दिया कि पेंट का फिनिशिंग अच्छा है। मछुआरे ने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं था, तुम्हारा काम जिस प्रकार का हमने नाव दिया उसे सिर्फ पेंट करना था, परंतु तुमने अपने कर्म में ईमानदारी के लिए कि तुम्हारे काम में एक चमक आए, फिनिशिंग आए, उसके लिए उस छेद को भी भर दिया। अगर आज उस छेद को तुम नहीं भरे रहते तो हम दोनों बच्चे से हाथ गवा देते। दोस्तों कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ही शिक्षाप्रद है कि हमारी ईमानदारी, हमारा सही दिशा में किया हुआ काम, हम जो कुछ भी करते हैं जाने अनजाने में, अगर वो सही कर रहे हैं, हम गलत नहीं कर रहे हैं, तो उसका पे आउट, उसका जो मेहनताना है वो मिलना ही मिलना है। प्रकृति का नियम है, मेहनताना कभी भी रुक नहीं सकता। तो दोस्तों चाहे आप विद्यार्थी हो, बिजनेसमैन हो, सर्विसमैन हो, नौकरी पेशा वाले हो, गृहस्थ हो, कुछ भी हो, आप अपने कर्म को अगर ईमानदारी पूर्वक करते जा रहे हैं तो ये निश्चित है कि समय पे आपको आपका पे आउट मिलेगा, ये पक्का है। और हमारा मनुष्य जीवन का नियम ही यही है कि हम पे आउट के लिए काम करते हैं। चाहे कोई भी काम हो, हमें मेहनताना मिलना चाहिए और हम मेहनताने के लिए ही काम करते हैं। शायद आपको ये कहानी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छा लगा, समझ में आया, तो हमारा पेज CM झा अकेडमी द लर्निंग पेज को लाइक फॉलो ज़रूर करिए और हमारा YouTube चैनल CM झा अकेडमी द लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, हर रोज़ सुबह 7:30 बजे एक छोटी सी कहानी आपके लिए मैं लेके आते रहूँगा। आप इस कहानी को ज़रूर सुनिए, मोटिवेशनल हैं। और हमारे YouTube चैनल में क्लास 8, 9, 10 कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के वीडियोस रेगुलरली अपडेट होते जा रहे हैं, देखिए और फ़ायदा उठाइए। फिर मिलते हैं कल एक और छोटी सी कहानी लेके। तब तक के लिए अपने दोस्त इंजीनियर CM झा को विदा दीजिए। फिर मिलेंगे कल इसी समय इसी चैनल पे। धन्यवाद।